हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशफाक कैफी शकील, आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम्यो केयर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में जीरोसिस कहते हैं। ड्राई स्किन तब होती है जब हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसको हम इपिडर्मिस कहते हैं, उसमें हमारी स्किन के अंदर जो पानी रहता है उसको अंदर ही रखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमारी त्वचा के अंदर का पानी जल्दी से उड़ जाता है और वो सूख जाती है। ड्राई स्किन आदमी, औरतों, बूढ़े, जवान और बच्चों, किसी को भी हो सकता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, जिसके कारण घर के सब लोगों की स्किन ड्राई रहती है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड हार्मोन की कमी यानी हाइपोथायराइडिज्म, एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा या सोराइसिस की बीमारी होती है, उन लोगों की स्किन ज्यादा ड्राई रहती है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है उनकी स्किन भी ड्राई रहती है। जो लोग पिंपल्स होने के कारण विटामिन ए या विटामिन ए डेरिवेटिव यानी आइसोट्रेटिनाइन जैसी दवाइयां लेते हैं, उनकी स्किन भी सूख जाती है। कई लोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डायुरेटिक्स की गोलियां लेते हैं, जिससे शरीर का पानी निकल जाता है और स्किन ड्राई होने लगती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स या ग्रंथियां की कमी होने लगती है, इसलिए हमारी स्किन पतली भी होने लगती है, उसमें पानी को अपने अंदर रखने की क्षमता भी कम होने लगती है और इस कारण उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन सूखी रहने लगती है या ड्राई हो जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, सिगरेट और शराब पीते हैं, उनकी स्किन भी डिहाइड्रेशन के कारण सूख जाती है। ड्राई स्किन के कारण इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे ठंड के मौसम, ठंडी सूखी हवा, बहुत देर तक गर्म पानी में नहाने की आदत, गर्मी के दिनों में हमेशा एसी के ठंडक में रहना और सर्दियों में हीटर लगाकर रखने से भी स्किन सूख जाती है। जब स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है और फटने लगती है तो इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे अक्सर लोगों की एरिया में ठंड के दिनों में हो जाता है। स्किन जब ड्राई होती है तो उसमें फाइन लाइंस और रिंकल्स भी जल्द ही पड़ने लगते हैं। इससे छोटी उम्र में ही लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं कुछ डेली रूटीन के बारे में, जिसको आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं और उसको सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग रख सकते हैं। ड्राई स्किन से बचने के लिए अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद को हाइड्रेट रखिए। इसके लिए आप रोजाना भरपूर मात्रा में पानी पिए। अक्सर जब विंटर सीजन होता है या ठंड का मौसम होता है तो लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए ठंड के मौसम में भी पानी की मात्रा को बढ़ाएं। केमिकल युक्त स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अपने फेस पर ना करें। नहाने के दौरान ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। यदि ठंड ज़्यादा है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। अपने हाथ को बार बार पानी से धोने से बचें, खासकर गर्म पानी और कड़े साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी स्किन पहले से ही ड्राई है तो स्क्रब का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप एक पुरुष है, आपको शेविंग करनी है तो आप शेविंग नहाने के बाद ही करें, क्योंकि तब बाल मुलायम हो जाते हैं। अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ही अच्छा वर्क करेगी इन सारे सिम्टम्स। सबसे पहली मेडिसिन आपको लेनी है पेट्रोलियम 200। ये आपको दो बूंद सुबह को, दो बूंद दोपहर को, दो बूंद रात को, ऐसे टंग में आपको लेनी है। अगर आपकी स्किन हमेशा ड्राई रहती है विंटर सीजन या ठंड के मौसम के अलावा, तो ये रूखी सूखी स्किन ड्राइनेस पर बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। दूसरी मेडिसिन है सारसा पेरीला। ये आपको 200 पोटेंशियम लेना है। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत है, उसमें झुर्रियाँ पड़ गई है, उसमें सारसा पेरीला बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। साथ ही स्किन पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा खुजली हो, उस सिम्टम्स में भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। तीसरा एक ऑयल है सांड ओलिव हर्बल बॉडी ऑयल। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ऑयल है। ये आपको किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये ड्राई स्किन के लिए ये ऑयल डेली आपको अपनी स्किन पर लगाना है, जिससे आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको दो मेडिसिन और ऑयल यूज़ करना है। अगर आपको ठंड के मौसम में आपकी त्वचा ड्राई रहती है तो आप ये दवा और ऑयल कम से कम एक महीने लीजिए। अगर सालों साल आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप ये दवा और ऑयल 4 महीने लीजिए, जिससे भविष्य में आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।